Hello everyone. In this lecture, we will learn about the Towers of Hanoi problem. And before going to the Towers of Hanoi problem directly and the solution of this, let us first understand the story, or let us first listen to a story associated with the Towers of Hanoi. This story is actually given in the Rig Veda, and in the Rig Veda, it is stated that Devta or Danav दोनों साथ साथ रहते थे और देवताओं और दानवों की जो शक्तियाँ थीं वो समान थीं। दानव जो है वो देवताओं को परेशान किया करते थे और देवता इससे बड़े ही खिन्न थे। तो देवता लोग एक इकट्ठा होके शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से ये कहते हैं कि शिव जी, आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कीजिए जिससे कि हम दानवों से दूर हो जाएं या दानव हमसे दूर हो जाएं। तो शिव जी ने देवताओं की इस इच्छा को ले जाके ब्रह्मा जी को यह व्यथा बताई। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो जब ब्रह्मा जी से इन्होंने शिव जी ने यह कहा कि ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना कीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं देवताओं और आपकी आज्ञा को ध्यान में रखते हुए अब तीन लोकों की स्थापना करता हूँ। ये जो तीन लोक की स्थापना उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि एक आकाश लोक होगा, एक धरती लोक होगा जहाँ पे मनुष्य रहेंगे, और एक पाताल लोक होगा जहाँ पे दानव लोग रहेंगे। तो आकाश लोक में उन्होंने स्थान बनाया देवताओं का, देवियों और देवताओं का स्थान उन्होंने बताया आकाश लोक। धरती लोक पे उन्होंने एक नई प्रजाति बनाई जिसका नाम उन्होंने मनुष्य रखा, और पाताल लोक उन्होंने दानवों के लिए दे दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो आकाश, पाताल और धरती लोक, या जिसका मतलब कि सृष्टि की रचना जो की जा रही है, वो अनंत काल के लिए नहीं है, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। और उन्होंने देवताओं से कहा कि चूंकि इस सृष्टि की रचना आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हो रही है, इसलिए आकाश लोक पे उन्होंने एक टावर, धरती लोक पे एक टावर और पाताल लोक में भी एक टावर की स्थापना कर दी। साथ ही साथ जो आकाश लोक पे टावर था उस पे उन्होंने 64 डिस्क छोटे से बढ़ते हुए क्रम की तरफ रख दिया। इसका मतलब कि सबसे ऊपर जो डिस्क रखी गई है वो सबसे छोटी है, उसके नीचे उससे बड़ी, और सबसे नीचे जो डिस्क रखी गई है वो सबसे बड़ी है, और इनकी जो संख्या है वो 64 है। देवताओं को ये काम दिया गया कि देवता लोग इस डिस्क के अरेंजमेंट को सेम इसी ऑर्डर में उनको पाताल लोक में ट्रांसफ़र करना है। वो चाहें तो धरती लोक के टावर को इसके बीच में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एक शर्त और भी रखी कि कभी भी किसी भी बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क आ सकती है, लेकिन कभी भी छोटी डिस्क के ऊपर कोई भी बड़ी डिस्क नहीं आ सकती। तो इस तरह की शिफ्टिंग का प्रोसेस आकाश लोक के देवताओं को दिया गया, और जब ये कार्य पूरा हो जाए तब उन्होंने कहा कि सृष्टि जो अभी रचना की गई है उस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा ब्रह्मा जी ने कि ये सृष्टि की रचना अनंत काल के लिए नहीं हुई है, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए हुई है, और चूंकि देवताओं की रिक्वेस्ट पे ये काम हुआ है, इसलिए देवताओं को सतत निरंतर ये काम करते रहना है कि इन डिस्क का ट्रांसफ़र पाताल लोक के टावर में करते करते रहना है। एक 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 बार में केवल एक ही डिस्क ट्रांसफ़र हो सकती है, और ऐसा नियम उन्होंने बना दिया कि एक दिन में भी एक ही डिस्क ट्रांसफ़र हो सकती है। तो एक बार में एक डिस्क ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या उन्होंने ये भी शर्त रख दिया कि एक दिन में एक ही डिस्क ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस अरेंजमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए पाताल लोक में देवताओं को जो समय लगेगा वो लगेगा 2 to the power 64 - 1 डेज। ठीक है, तो 2 to the power 64 - 1 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है।
और ये जो 2^64 -1 days हैं वो ट्रिलियन ईयर्स हैं, जो कि एक बहुत ही लंबा समय है। और ऐसा माना गया कि अभी बहुत ही कम समय, बहुत ही कम टास्क पूरा हुआ है, बहुत ही कम दिन बीते हैं, अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं सृष्टि के विनाश होने में। अच्छा, ऐसा ही एक अरेंजमेंट, इन तीन टावर वाला अरेंजमेंट अगर हम मान लें, तो तीन टावर वाला अरेंजमेंट वाराणसी के, या जो काशी है उसके काशी विश्वनाथ मंदिर में हुए। हाँ, और वहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी का काम यह है कि वो प्रतिदिन एक डिस्क ट्रांसफ़र करने का काम करता है। वहाँ पे ये माना गया है कि ये जो टावर्स हैं उस पे ये सोने की सुइयाँ जैसे माने सोने की डिस्कें रखी गई है, और इन सोने की डिस्क में एक कर एक एक दिन में एक ट्रांसफ़र वहाँ का पुजारी करता रहता है। ऐसी भी मान्यता है कि चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में इस तरह का अरेंजमेंट इसलिए है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो काशी सबसे पहला शहर था जो बसाया गया, और काश शिव जी के आदेश पे ऐसा काम हुआ, इसीलिए जो है जब सृष्टि की रचना हुई तो पहली नगरी या जो पहला स्थान बनाया गया धरती लोक पे वो शिव की नगरी मानी गई, जिसको हम काशी कहते हैं। टावर्स ऑफ हैनोई इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वियतनाम के हैनोई शहर में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, और उस बुद्धिस्ट टेम्पल में भी इसी तरह का एक अरेंजमेंट रखा गया है, और वहाँ का जो मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो भी डेली बेसिस पे एक ट्रांसफ़र इस तरह का करता रहता है। तो ये एक स्टोरी है जो कि टावर्स ऑफ हैनोई से रिलेटेड है, और अगले लेक्चर में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कि टावर्स ऑफ हैनोई प्रॉब्लम, जो कि कहता है कि डिस्क को ट्रांसफ़र करना है, तो डिस्क का ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाएगा। धन्यवाद।